हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गुड़ पॉरेज गुड़ के साथ। इसमें हमने घी डाल के पॉरेज को भूना है, दलिए को, और गुड़ तोड़ के साबुत डाला है। आज मेरा कुछ मीठा खाने का मन था, तो कुछ इस तरीके से हम पॉरेज आज बना रहे हैं, एकदम अलग तरीके से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, गुड़ हमने ऐसे साबुत डाला है, तोड़ के डाल दिया है गुड़ को, और सूजी को, ये दलिए को पहले हमने भून लिया था सादा, उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर से घी डाला, इलायची डाली, और ये देखिए गुड़ को आपके सामने तोड़ रहे हैं। ये साबुत गुड़ है, गुड़ का पानी नहीं डाला हमने, चीनी की जगह गुड़ का यूज़ कर रहे हैं, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लें। गुड़ ऑलमोस्ट मेरा सब पिघल गया है, और अब इस स्टेज में आके हम पानी डालेंगे इसमें। इसको मैंने लिया है, एक गिलास पानी डाला है, पूरा एक गिलास भर के ये पानी मैंने डाला है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया। वैसे तो दलिए को लोग नमकीन बनाते हैं, चीनी से बनाते हैं, लेकिन हर वक्त चीनी खाना भी ठीक नहीं होता है, नुकसान करता है चीनी ज़्यादा। तो आज हम गुड़ से मैंने बनाया है पॉरेज अलग तरीके से, तो आप देख सकते हैं गाइस कैसे ये हम बनाया है। इसके बाद आप खा सकते हैं इसको दूध के साथ, जब ये बन जाए तो उसके बाद आप इसमें दूध डाल के अलग से खा सकते हैं, लेकिन पहले अगर दूध डालते तो गुड़ डालने के बाद वो फट जाता। तो ये फटाफट बन जाएगा, फ्लेम हाई कर दिए। ये देखिए, एक कटोरी मैंने पॉरेज लिया था दलिया, और दो पीस गुड़ के डाले मैंने, दो टुकड़े गुड़ के, तीन बड़ी इलायची, छोटी इलायची कूट के, और एक बड़ा टीस्पून घी का, देसी घी। पहले पॉरेज को हमने ऐसे ही सादा भून लिया था, उसके बाद फिर जाके इसको हमने ऊपर से घी डाला, इलायची डाली, और गुड़ आपके सामने डाला है। मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था, तो ये बनाया आज गुड़ पॉरेज। गाइस आप कैसे बनाते हैं बताइएगा। वैसे तो सब बनाते हैं ऐसे ही, बहुत लोग इसे नमकीन बनाते हैं, कुछ सब्जियां डाल के बनाते हैं, वेजिटेबल बीन्स हो गया, और कैप्सिकम हो गई, ये सब कुछ डाल के वेजिटेबल अपने पसंद से बनाते हैं, वो भी अच्छा लगता है, पर मेरे को तो मीठा अच्छा लगता है, तो इसलिए। बहुत फाइन वाला पॉरेज था ये, महीन पॉरेज, इसलिए जल्दी बन जाएगा। ये देखिए,
ख्याल से इसमें थोड़ा पानी और जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। बहुत थोड़ा पानी है, देखिए बहुत थोड़ा सा पानी ये और डाल देते हैं इसमें। मैंने आज तेज कर दी थी फ्लेम इसका, इसलिए जल्दी पानी ये ड्राई होने लग गया। ये गेहूं का दलिया है, एक कटोरी में देखिए कितना ढेर हो गया। ये बहुत बड़ी कटोरी नहीं थी, थोड़ा सा छोटी कटोरी थी, लेकिन फिर भी देखिए फूल भी कितना ढेर हो गया। अच्छा लगे गाइस तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। प्लेटिंग करते हैं, ये हो जाता है फिर प्लेट करते हैं इसको, फिर आपको दिखाते हैं। लाल तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय। मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल रीना की रेसिपी, रीना मेंडिस की रेसिपी।